पिछले एक माह से राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से गुजरने वाली मेल एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों के परिचालन को बंद करने के बाद से दैनिक यात्री सहित मां बम्लेश्वरी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर कई बार विभिन्न संगठनों द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन स्थिति वैसी की बनी हुई है, जिसके बाद कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन की चेतावनी रेलवे प्रशासन को दी है। गौरतलब है कि डोंगरगढ़ से गुजरने वाली हर ट्रेनों के परिचालन को बंद करने से हो रही यात्रियों की समस्या को लेकर अब कांग्रेस उग्र होती दिखाई दे रही है और आगामी 22 मई को रेल रोको आंदोलन की चेतावनी रेल प्रशासन को दी गई है। नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने बताया है कि डोंगरगढ़ स्टेशन से गुजरने वाली विभिन्न ट्रेनों का परिचालन लगभग एक माह से बंद है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करते देखा जा रहा है, जिसे लेकर समय समय पर ज्ञापन भी सौंपा गया, परंतु स्थिति जस की तस बनी रही। अगर ट्रेन का परिचालन जल्द से जल्द नहीं हो पाता तो कांग्रेस पार्टी द्वारा डोंगरगढ़ विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल के साथ नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। मामला है कि पिछले एक माह से दैनिक यात्री संघ जो अप डाउन करते हैं वो और यहाँ के आम पब्लिक और शादियों का सीजन है। इसके पूर्व भी मैंने एक ज्ञापन दिया था, लेकिन रेल स्टॉपेज नहीं हुआ। उसके बाद भी हम लोग 15 दिन का अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई ट्रेन स्टॉपेज नहीं हुआ। तो माननीय हमारे विधायक जी भुवनेश्वर बघेल जी और मैं नगर पालिका अध्यक्ष, हम पूरी कांग्रेस पार्टी मिल के 22 तारीख को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं। अगर 21 तारीख को अगर स्टॉपेज नहीं हुआ तो 22 तारीख को निश्चित ही हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे आम जनता और जनमत के सहयोग से। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जम्भुलकर की रिपोर्ट।